Hello students, good morning everyone, welcome to the class. So here today we are going to study reactivity of carbon family. Okay, so कल हमने शुरू किया था carbon family, और carbon family में हमने कल पढ़ा था introductions, then उसके बाद general characteristics of carbon family. Okay, electronic configurations, metallic characters, oxidation states. Okay, then melting and boiling points of carbon family and complex forming tendency, then allotropy. Okay, these all things we have studied in yesterday's class. Okay, and also we have studied about the reactivity of carbon family elements. So today we are continuing some reactions. Okay, so let's start today's class. So first reactions of carbon family elements with alkali. ठीक है, actions of alkalis on carbon family. So what is the actions of alkalis? Alkali मतलब what is the meaning of alkali? यहाँ पर आप कोई भी alkali use कर सकते हैं, जैसे NaOH हो गया. Okay, that is called as the alkali. Sodium hydroxide KOH is also called as the alkali. Okay, means these metals, sodiums, potassiums, okay, these elements are called are also called as the alkali metals. And when these alkali metals dissolve in water, then it forms alkali solutions. ठीक है, so this is called as the alkalis. Okay, this solutions of sodium hydroxide, potassium hydroxide, aluminium hydroxide is called as the alkalis. Okay, so what is the actions of alkali on carbon family elements? So कार्बन इज अनअफेक्टेड बाय अल्कलीज. जो कार्बन होता है, दिस मेटल्स इज अनअफेक्टेड, मतलब इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती अल्कलीज के साथ. ठीक है, ओके. व्हेन सिलिकॉन रिएक्ट स्लोली विथ कोल्ड एक्वियस NaOH. ओके, कोल्ड एक्वियस सॉल्यूशन में जब सिलिकॉन रिएक्ट होता है, कार्बन फैमिली में हमने देखा था कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं. कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, ठीक है, देन जर्मेनियम आता है, देन SN और PbE. दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन कार्बन फैमिली. सो अमॉन्ग दीज एलिमेंट्स कार्बन इज अनअफेक्टेड बाय अल्कली. इसकी रिएक्शंस अल्कलीज के साथ नहीं होती. देन सिलिकॉन, सिलिकॉन कैन रिएक्ट स्लोली विथ कोल्ड एक्वियस NaOH. ओके, कोल्ड सॉल्यूशन अगर लिया है NaOH का, सो दिस सिलिकॉन रिएक्ट स्लोली विथ एक्वियस NaOH सोल्यूशन एंड रेडिली रिएक्ट विथ हॉट सोल्यूशन गिविंग सोल्यूशन ऑफ सिलिकेट. ओके, तो अगर हम कोल्ड सोल्यूशन लेते हैं, कोल्ड एक्वियस सोल्यूशन लेते हैं NaOH का, तो इट रिएक्ट स्लोली विथ सिलिकॉन, बट वेन वी टुक हॉट सोल्यूशन ऑफ NaOH देन इट रिएक्ट रेडिली, मतलब उससे थोड़ा फास्ट रिएक्शन होती है. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलिकॉन when reacted with two moles of NaOH, okay, aqueous solution है उसका NaOH का, then there is a formation of sodium silicate. Okay, this is the sodium silicate is formed here. Okay, silicate along with the formations of hydrogen gas. यहाँ पर जो important है वो कौन सा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म गया. ओके, सो यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमने हॉट सॉल्यूशन लिया है NaOH का, तो हॉट सॉल्यूशन में हमने अगर सिलिकॉन डाला है, देन द रिएक्शंस टेक्स प्लेस वेरी मतलब रेडिली होती है, मतलब जो कोल्ड एक्वियस सॉल्यूशन से थोड़ा फास्ट होती है रिएक्शन. यहाँ पर देखो ये जो बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस बबल्स इज नथिंग बट इट इज़ अ हाइड्रोजन गैस. ओके, सो दिस इज सिलिकॉन एंड दिस इज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ hot aqueous solution of NaOH. Okay, so this is all about the reactions of silicon with NaOH. Okay, then उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो SN and Pb होते हैं, these elements SN and Pb मतलब tin and lead are slowly attacked by cold alkali. Cold अगर alkali हम लेते हैं, एंड दीज एलिमेंट्स SN एंड लीड आर स्लोली अटैक, इसकी रिएक्शन बहुत ही स्लोली होती है, बट रेडिली बाय हॉट अल्कली. हॉट अल्कलीज में ये भी फास्ट रिएक्ट होते हैं.
ओके, सो गिविंग स्टैनेट्स एंड प्लम्बेट्स। जैसे हमने यहाँ पर सिलिकेट्स, जैसे हमको सिलिकेट मिला था, सिलिकॉन की रिएक्शन जब हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ होती है, देन ओके देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सिलिकेट लाइक दिस मैनर्स सिली, यहाँ पर स्टैनस एंड प्लम्बम, दीज टू एलिमेंट्स रिएक्ट्स रेडिली इन हॉट अल्कलीज, ओके, एंड फॉर्म्स स्टैनेट्स एंड प्लम्बेट्स। ओके, द टीन एंड लीड आर समवॉट एम्फोटेरिक, मतलब क्या एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, मतलब ये एसिड और बेस के दोनों के नेचर शो करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो टीन की रिएक्शन NaOH के साथ होती है, एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम स्टैनेट। ओके, यार इसका नाम क्या है, सोडियम स्टैनेट, स्टैनेट, ओके, सोडियम स्टैनेट इज फॉर्म हियर। देन लीड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन देर इज ऑल्सो फॉर्म सोडियम प्लम्बेट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज सोडियम प्लम्बेट, ओके, सोडियम प्लम्बेट इज फॉर्म हियर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्शन ऑफ अल्कलीज ऑन कार्बन फैमिली। देन नेक्स्ट रिएक्शन, एक्शन ऑफ हलाइड, ओके, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कार्बन फैमिली एलिमेंट्स विथ हलाइड्स ग्रुप्स। ठीक है, हलाइड ग्रुप्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं आपको पता है, फ्लोरीन, ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दीज एलिमेंट्स इंक्लूड्स इन कार्बन फैमिली, नॉट कार्बन फैमिली, इंक्लूड्स इन हलाइड्स, ओके, हलाइड ग्रुप। देन द मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स फॉर्म्स टेट्राहलाइड, ओके, व्हेन कार्बन फैमिली एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ हलाइड ग्रुप, देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहलाइड्स ऑफ द टाइप MX4। ओके, यहाँ पर M का मतलब क्या होता है, कार्बन फैमिली एलिमेंट्स, यहाँ पर आप कौन से ले सकते हो, कार्बन ले सकते हो, ठीक है, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन SN एंड PB, ओके, लीड, ओके, दीज एलिमेंट्स यू कैन टेक हियर इन द प्लेस ऑफ M, ओके, एंड X मीन्स वॉट, दिस इज द हलाइड एलिमेंट्स, हलाइड ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पर X की जगह आप क्या रख सकते हो, फ्लोरिन, ओके, क्लोरिन, ब्रोमिन और आयोडीन, दिस हैलाइड ग्रुप्स, ओके, सो दिस कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन कार्बन फैमिली एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद हैलाइड ग्रुप्स। ओके, सो यहाँ पर देखो एक्सेप्शन यहाँ पर है, PbBr4, PbI4, ये रिएक्ट्स नहीं होती इसके साथ, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो जो M की जगह अगर हमने ये रख दिया कार्बन यहाँ पर रख दिया, और X की जगह अगर हमने क्लोरीन रख दिया तो यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज फॉर्म हियर। ओके, बट PbBr4 ये फॉर्म नहीं होता, अगर M की जगह हमने PB लिख दिया और BR, X की जगह अगर BR रख दिया तो ये रिएक्शंस फॉलो नहीं होती है। ओके, तो ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर दीज टू कंपाउंड्स आर एक्सेप्शन हियर। ओके, इसके रिएक्शन कार्बन फैमिली एलिमेंट्स के साथ नहीं होती है। हैलाइड्स आर कोवेलेंट, हैलाइड कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, एंड फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, सो द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहैलाइड्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास ऑफ द टेट्राहैलाइड। ओके, तो मॉलिकुलर मास जैसे इंक्रीज होता है, देन उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है टेट्राहैलाइड्स की, वो क्या होती है, वो भी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, वो डिक्रीज होती है, जैसे यहाँ पर देखो थर्मल स्टेबिलिटी किस तरह से डिक्रीज होती है, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, देन उसके बाद कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देन उसके बाद कार्बन, ठीक है, टेट्रा ब्रोमाइड, और देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये क्लोरेट, क्लोरेट जो आयन्स है यहाँ पर उसकी होती है। ठीक है, ये सी, ठीक है, कार्बन टेट्रा आयोडाइड होता है, ठीक है, दिस इज कार्बन, कार्बन टेट्रा आयोडाइड। ओके, सो लाइक इन दिस वे द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फैमिली एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द मॉलिकुलर मास ऑफ द टेट्रा हैलाइड्स। ओके, देन नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्रा हैलाइड्स ऑफ द एलिमेंट्स विथ कॉमन हैलोजन, ठीक है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से, ओके, जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है देन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहैलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, ओके, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर देख सकते हो कार्बन टेट्राहैलाइड, ओके, की जो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद सिलिकॉन टेट्राहैलाइड, देन उसके बाद जर्मेनियम टेट्राहैलाइड और उसके बाद टिन टेट्राहैलाइड और लीड टेट्राहैलाइड, ओके। तो इससे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज होती है, ठीक है। कार्बन की सबसे ज़्यादा होगी, सिलिकॉन की उससे कम, उससे कम जर्मेनियम की और उससे कम टिन की और उसके बाद लीड की, इस तरह से उसकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। देन उसके बाद हम देखेंगे कार्बन को छोड़ के, कार्बन हैलाइड्स को छोड़ के अदर जो हैलाइड्स है, ओके, जैसे हमने कार्बन टेट्रा क्लोराइड सिलिकॉन टेट्रा हैलाइड्स, ये जो हैलाइड्स ग्रुप देखे थे, ठीक है, हैलाइड्स कंपाउंड देखे थे, तो इसमें कार्बन हैलाइड्स को छोड़ के बाकी के जो हैलाइड्स होते हैं दिज आर रेडिली हाइड्रोलाइज बाय वाटर, वाटर से क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ओके। यहाँ पर देख सकते हो आप ये जो हाइड्रोलिसिस होती है ये किसके कारण होती है, इज ड्यू टू द यूटिलाइजेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स टू विच वाटर मॉलिक्यूल्स कैन गेट अटैच, ओके। यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स इवॉल्व होती है, ओके, यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स यूटिलाइज होते हैं, ओके, जो जो कंपाउंड फॉर्म होता है यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स का एक महत्वपूर्ण यूटिलाइजेशन होता है, ओके। तो यहाँ पर देखो सी एक्स फोर की जो हाइड्रोलिसिस पावर जो है, हाइड्रोलाइज होने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सिलिकॉन की, उसके बाद टिन, उसके बाद लीड की, ओके। मतलब क्या, अगर हम एक्स की जगह फ्लोरीन लिखते हैं, कार्बन टेट्रा फ्लोरेट हो गया, उसकी सबसे ज़्यादा होगी, ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोलाइज होगा, देन कार्बन टेट्रा क्लोराइड हाइड्रोलाइज होगा, देन कार्बन ब्रोमाइड टेट्रा ब्रोमाइड और कार्बन टेट्रा हाइड्राइड, ओके, इस तरह से। यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है SiCl4 वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है, मतलब ये हाइड्रोलाइज हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोलाइज होता है, ओके, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड गेट हाइड्रोलाइज बाय वाटर, ओके, ये वाटर से हाइड्रोलाइज होता है, मतलब कि यहाँ पर एडिशन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पर देखो क्या फॉर्म होता है, तो H2O में OH ग्रुप्स होते हैं, H2O में यहाँ पर 2OH2 मॉलिक्यूल्स लिया है, तो 2OH ग्रुप्स यहाँ पर मिल जाएंगे, आयंस मिल जाएंगे, तो दिस आयंस अटैच टू दिस साइड टू सिलिकॉन, ओके, इस तरह से वो अटैच हो जाएंगे, देन उसके बाद फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, टू वाटर मॉलिक्यूल्स, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने इस तरह से ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ से जो HCl है वो HCl निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बचा, ये कंपाउंड बचा है, ठीक है। तो सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, टेट्राहाइड्रोक्सिल कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होता है, ओके। तो इस तरह से रिएक्शंस मिलती हैं हमको, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, द टेंड टूवर्ड हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ओके। जो टेंडेंसी होती है हाइड्रोलिसिस की, जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, ओके, तो वैसे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन हाइड्रोलाइज होता है, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड वगैरह हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देन उसके बाद, ठीक है, हमने देखे थे कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड और उसके बाद कार्बन टेट्रा हाइड्राइड, ओके। तो इस तरीके से जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं देन हाइड्रोलिसिस डिक्रीज होती है, ओके। द टेट्रा हैलाइड ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लीड कैन फॉर्म हेक्साहैलो कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हेक्साहैलो कॉम्प्लेक्सेस कैन फॉर्म हियर, ओके, व्हेन दिस सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लीड रिएक्ट्स विद हैलाइड ग्रुप, ओके। तो जब हम सिलिकॉन के साथ फ्लोरिन रिएक्ट होता है देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हेक्सा फ्लोरो कंपाउंड, ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देन जर्मेनियम व्हेन रिएक्ट्स विद हैलाइड ग्रुप्स देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जर्मेनियम हेक्सा क्लोराइड, ओके, एंड सो ऑन, ओके, इस तरीके से हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सिलिकॉन व्हेन रिएक्ट्स विद 6 फ्लोरिन एटम्स देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हेक्साहैलो कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है।
सिलिकॉन हेक्सा फ्लोराइड इज फॉर्म हियर। ओके, यहाँ पर देखो फ्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पर इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कोवैलेंट बॉन्ड से ये बॉन्डेड होते हैं, मतलब क्या, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लेविज एसिड। इसको हम क्या कर बोलते हैं, लेविज एसिड बोलते हैं। वाई, बिकॉज देर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो लेविज एसिड की डेफिनेशन आपको बताएं, द कंपाउंड और एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जो एक्सेप्ट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज कॉल्ड एज द लेविज एसिड। ओके, तो ये आपको पता है। तो आई होप अंडरस्टूड दिस ऑल अबाउट। ओके, सो द टेट्राहैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लीड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लेविज एसिड। ओके, ये स्ट्रॉन्ग लेविज एसिड करके एक्ट।